बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल हाफिज मोहम्मद उस्मान साहिब ने यूनान से निकाह के हवाले से किया है। क्या एक सुन्नी लड़की का शिया लड़का से निकाह करने के बारे में शरीयत तौर पर हुक्म क्या है? क्या इन दोनों का आपस में निकाह करना जायज है? तो उसके बारे में बुनियादी तौर पर अकीदे से ताल्लुक रखने वाली चीजों को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अगर कोई शख्स आज जो हमारे पास 30 पारों में कुरान मजीद मुसहफ़ उस्मानी की सूरत में मौजूद है, इसमें वो शख्स ये अकीदा रखता हो कि इसमें तहरीफ यानी रदो बदल हो चुकी है, या ये अकीदा रखता हो कि हजरत अलीजुल मुर्तदा करमल्लाहु वजहहुल करीम को खुदा मानता हो, या वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही पहुँचाने में गलती सादिर हो गई हो, या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत के इनकार का अकीदा रखता हो, या उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सदीका अफीफा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर बोहतान लगाने का अकीदा रखता हो, या 12 इमामों की इमामत मिन जानिबिल्ला मानकर उनके बारे में मासूमियत का अकीदा रखता हो, या अल्लाह ताला की जात के बारे में बिदा का अकीदा रखता हो, मतलब क्या कि अल्लाह ताला की जात से फैसला करते हुए माज़ल्ला कभी खता सादिर हो सकती है, ये अकीदा रखता हो, और ये जितने भी मैंने अकीदे बयान किए हैं ये तमाम के तमाम अकायद ईमान के अंदर अगर पाए जाएंगे तो वो बंदा ईमान से खारिज हो जाएगा। ये मस्कूरा बाला अकायद जो है ये तमाम के तमाम ईमान के खिलाफ है। अगर किसी आदमी के अंदर ये अकायद पाए जाते हैं, अगरचे वो जुबान से कलमा भी पढ़ता हो, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। उसके अंदर ये अकायद नहीं पाए जाते तो फिर वो बंदा मोमिन है। तो कुरान मजीद में भी वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, कि औरतें मुशरिकीन से निकाह ना करें, यानी ईमान वाली औरतें मुशरिकीन से निकाह ना करें, हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। कुरान मजीद के जाब्ते से ये पता चला कि अगर मस्कूरा बाला अकायद के अंदर कोई शख्स मुबतला हो तो उसके लिए तोबा करना जरूरी है, अपने ईमान की अपने अकीदे की दुरुस्तगी करना जरूरी है, या उसके अंदर मस्कूरा अकायद नहीं पा सकते तो फिर एक सुन्नी लड़की का दूसरे लड़के के साथ, चाहे वो शिया है, वहाबी है, या कोई भी ताल्लुक रखने वाला है, उसके अकायद के अंदर कोई कुफ्रिया अकायद नहीं होने चाहिए, तो फिर उनके साथ निकाह करना शरई तौर पर जायज होगा। अगर मस्कूरा बाला अकायद पाए जाते हों तो फिर उनके साथ निकाह करना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम व रसूलुहू।